तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वैसी भी है जो कि अपडेट के बाद आई हैं, जो कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे जैसे कि TDM को लेकर। तो आज उसी पर मैंने एक वीडियो लाई है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो वहाँ पर आप बिहाइंड कुछ जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर पाता, आप वो चीज़ें वहाँ पर देख सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो। तो यही बोलना था, तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर वन बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर वन में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी ये वाले कंटेनर्स पे आ रहे हो, खासकर इस वाली जगह पर, तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आप ये वाली जगह पर फंस जाते हो और सामने की तरफ आप देख सकते हो फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर बंदा TPP ले रहा रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसके कैसे सरप्राइज अटैक करना है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर गाइस रैंडमली आपको जंप करनी है, मतलब रिपीटेडली। तो उससे क्या होगा कि गाइस आप देख सकते हो इस तरह से आप इस पर चढ़ जाओगे, क्लाइंब कर लोगे। तो गाइज़, आपने देखा मैंने इसको कितने इजीली नॉक कर दिया। ये गाइज मैं बहुत फेस करता हूँ कंटेनर पे, जब भी आप उतरोगे अगर आपकी गन फाइट हो जाती है तो कई बंदे इस जगह पे फंस जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट चढ़ के कंटेनर्स के ऊपर भी आ सकते हो अगर आपको वहाँ से चढ़ने का रास्ता नहीं है तो, अगर या फिर कोई TPP ले रहा है तो ये वाली ट्रिक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलो गाइज, अब मैं आपको पॉइंट नंबर टू बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर टू में एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ मिलिट्री बेस पे। आप लोगों ने देखा होगा ये, जिसको हम सीमेंट्री बोलते हैं, कुछ लोग बंकर्स भी बोलते हैं, तो इस पर भी आप क्लाइंब कर सकते हो। गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और लेफ्ट वाली जंप दबा के आपको लेज ग्रैब का जो फीचर है वो यूज़ करना है। फिर गाइस, आपको इस तरह कुछ इस रेलिंग पर आना है बहुत ही केयरफुली, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से जंप करना है स्प्रिंट में लगाकर। तो गाइस, आप इस तरह से आज यहाँ पर आ जाओगे, फिर आपको एक और बार जंप करना है और गाइस बूम, आप देख सकते हो इस सीमेंट्री के ऊपर आप आ गए। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, यहाँ पे कई बार कुछ लोगों का ड्रॉप भी फंस जाता है, या फिर अगर आपका ड्रॉप नहीं फंसा है आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ से स्काउटिंग कर सकते हो, अपनी टीममेट्स को बता सकते हो। अगर आप यहाँ पर एक DP और अच्छा स्कोप लेके 4x या 6x लेके ऊपर चढ़ गए तो आपके लिए बहुत ही कमाल की ये जगह होने वाली है, बहुत ही कमाल का स्पॉट। आप दूर दूर तक बंदे स्पॉट कर दोगे और आपको कोई इमेजिन नहीं करेगा कि आप यहाँ पर हो। तो ये वाली ट्रिक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ पर अगर आप बैठे हुए बंकर्स के ऊपर अगर सामने से कोई भी बंदा आता है तो आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने उसको कितना इजीली नॉक कर दिया। बंदा बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आप यहाँ पर हो, और अगर बाई चांस किसी ने आपको यहाँ पे देख लिया तो आपको वो मार नहीं सकता अनटिल वो टावर पे जाए। तो गाइस, ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर भी आप आ सकते हो, दोनों बंकर्स पे आप जंप करके आ सकते हो। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री में बताता हूँ जो अपडेट के बाद जो TDM का क्या हुआ है सिस्टम पूरा। आप देख सकते हो यहाँ पे लोडआउट्स आते हैं, अगर आपकी लेवल सफिशिएंट है तो आपके चारों लोडआउट्स अनलॉक होंगे, अगर आपकी नहीं है तो आपके लेवल के हिसाब से लोडआउट्स अनलॉक होंगे। जैसे शायद 1 होगा, किसी का 2 होगा या फिर किसी के 4 होंगे। तो मेरी लेवल शायद आई गेस 30, 31 या 33 है, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बैरल को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं अपने लोडआउट में बैरल को नहीं डाल सकता, ये लेवल 39 पर ही आएगी और ये क्रोजा लेवल 41 पे आएगी। और इसके जो अटैचमेंट है ये तब आपको मिलेंगे जब आप इस गन को मास्टरी कर लोगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको क्रोजा कैसे मिल सकती है TDM में विदाउट लेवल अप करे। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, अगर आप कभी भी फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, अगर आपके फ्रेंड की लेवल जो है ईवो लेवल वो हाई है तो वो आपको गन ड्रॉप कर सकता है। तो गाइस, जैसे मेरा ये फ्रेंड है, इसकी ईवो लेवल आई गेस 44 है, तो इसने अपने स्लॉट में क्रोजा डाली और यहाँ पर ड्रॉप की और मैंने ये क्रोजा उठा ली। तो गाइस, इस तरीके से आप जो भी गन आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो अपने उसमें डाले लोड आउट में और वो आपको दे दे, और फिर जब आपका फ्रेंड मरेगा तो उसके पास भी वो सेम गन आ जाएगी, तो आप दोनों के पास सेम गन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल्स चेंज हो चुके हैं, TDM के जो होते हैं पूरे कंट्रोल्स बेसिकली वो पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल भी आप गाइस पूरे क्लासिक के कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो इसमें सेट, और बिल्कुल 1 सेकंड का काम है। आपको क्या करना है गाइस, कंट्रोल्स के ऊपर जाना है, बहुत लोग आप लोग देख सकते हो मेरा थर्ड लेआउट है, तो मैं TDM में भी थर्ड लेआउट पर ही जाऊंगा, सेकंड पे नहीं जाऊंगा। थर्ड पे गए, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी क्लासिक मोड सेटिंग्स आ रही है, आपको बस उस पर एक बार दबाना और गाइस आप देख सकते हो आपके पूरे कंट्रोल्स डिट्टो सेम टू सेम हो चुके हैं TDM में। और ये बात आप याद रखो कि अगर आपके क्लासिक कंट्रोल्स लोड आउट के हिसाब से होते हैं, जैसे 1, 2 और 3, आप लोगों ने देखा मेरा 3 है, तो आपको TDM में भी थर्ड वाले स्लॉट पर ही आपको कॉपी सेटिंग्स करनी है, तभी जाके वो स्लॉट्स आपके आएंगे सेम टू सेम। तो कुछ लोगों को कंट्रोल्स को लेकर बहुत दिक्कत थी, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में बताता हूँ अपडेट के बाद क्या हुआ है। जब भी आप विंटर मोड खेलोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्नोबॉल मिलेंगी, या आपको जो ये होता है रूइंस का पहाड़, आपको वहाँ पर मिलेंगे जो कंटेनर्स होते हैं, तो आप इसको एज अ कवर यूज़ कर सकते हो गाइस रश मारने के लिए। बहुत ही OP स्ट्रैटेजी है ये, बहुत ही कमाल की, आप देख सकते हो हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं क्लासिक मैच में।
आप ये भी जो स्नोबॉल है आप इसको फेंकते जाओ, आप इससे रास्ता बना सकते हो, आप इससे गाइज स्टेयर्स तक ब्लॉक कर सकते हो, बट ये कुछ टाइम के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाती है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, आप इससे रास्ता वास्ता बना के स्मोक करने की, अगर आपके पास स्मोक नहीं है तो आप इस चीज़ के चारों तरफ इस चीज़ को डाल के भी रिवाइव कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बट ये सिर्फ विंटर मोड में अवेलेबल है, तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइज अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। तो गाइज मैं आपको पॉइंट नंबर 5 में बताता हूँ अपडेट के बाद क्या हुआ। अगर आप कभी भी आपकी हेल्थ लो है तो गाइज आपको सिर्फ एक बार बैंडेज पे दबाना है, और सिर्फ आप धीरे धीरे चलते रहो, स्प्रिंट में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज अगर आप एक बार बैंडेज पे दबा दोगे तो ये बंदा तब तक बैंडेज मारेगा जब तक इसकी 75% हेल्थ नहीं हो जाती, या फिर जब तक इसके बैंडेज खत्म नहीं हो जाते। आप देख सकते हो मैंने दबा के सिर्फ सीधा चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये गाइस काफ़ी कमाल की चीज़ है, कई बार हम बैंडेज मारना भूल जाते हैं, बट ये बंदा खुद ब खुद बैंडेज मारता रहेगा। और आप चल के ड्रिंक्स ले सकते हो अपडेट के बाद, चल के फर्स्ट एड भी ले सकते हो, इवन आप गाड़ी में चल रहे हो गाइस, गाड़ी स्पीड कितनी भी चल रही हो, नो मैटर कितनी स्पीड चल रही है गाड़ी, आप वहाँ पर भी पूरी क्या बोलते हैं ड्रिंक्स और ये ले सकते हो बैंडेज। तो ये चीज़ अपडेट में बहुत ही कमाल की चीज़ आई है। सो यस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके कुछ हेल्पफुल होंगी। अगर होती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी सबसे फेवरेट ट्रिक कौन सी थी। तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टेक केयर।